हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 29 अक्टूबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज की डिस्कशन में जो पहला आर्टिकल है वो है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को लेके। तो इसके बारे में जो फैक्ट्स है वो हम यहाँ पे जानेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट इसकी सब स्कीम्स है उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। देखो, जो पीएम आशा यानी कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है, ये बेसिकली जो 2018 का बजट था इसमें अनाउंसमेंट के तहत लाई गई थी। अब है क्या ये, किस लिए लाई गई है वो देखते हैं। अन्नदाता का मतलब क्या हो गया, फार्मर्स जो कि अन्न को प्रोड्यूस करते हैं वो बेसिकली यहाँ पे अन्नदाता के तौर पे जाने जा रहे हैं। अब देखो, हमारे देश में जो किसान है, आप बोल सकते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसकी माली हालत बड़ी खराब हो रखी है क्योंकि किसानों को ना तो फसलों के उचित दाम मिल पाते हैं और आज के टाइम पे जो फसलों की लागत है वो भी बहुत ज्यादा है, इसलिए किसानों को कोई प्रॉफिट इतना हो नहीं पाता है। और वो कई बार क्या है कि लोन वगैरह भी उनको टाइम पे नहीं मिल पाता है, और अगर लोन मिल जाता है तो उसको चुका नहीं पाते हैं। कई बार बाढ़ होता है या फिर अकाल सूखे की वजह से भी फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो ऐसे माहौल में कई बार किसानों को सुसाइड भी करना पड़ता है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई किसानों की जो हित है, किसानों की जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, और इसीलिए इस बार के बजट में किसानों की फसलों को उचित दाम प्रोवाइड करवाने के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है वो लाया गया। बेसिकली जो ये अभियान है या ये जो स्कीम है, इसमें तीन सब स्कीम है, तो उन तीनों सब स्कीम के बारे में हम पहले यहाँ पे जानते हैं। पहली स्कीम है वो है पीएसएस प्राइस सपोर्ट स्कीम, दूसरी है पीडीपीएस प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, तीसरी है ट्रिपल पीएस यानी पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट एंड स्टॉक लिस्ट स्कीम। अब है क्या, एक एक स्कीम को हम यहाँ पे देखेंगे। पहले हम देखते हैं प्राइस सपोर्ट स्कीम की। देखो, गवर्नमेंट आपको पता है कि हर जो भी फसल बोई जाती है उससे पहले उसके लिए एमएसपी वगैरह डिसाइड करती है कि भाई इस बार इस फसल के लिए मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस वही रही रहने वाली है वगैरह वगैरह। तो जब भी इसमें होगा क्या, प्राइस सपोर्ट स्कीम में गवर्नमेंट खुद क्या करेगी, चीजों को खरीदेगी स्टेट की हेल्प से। अब देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बेसिकली स्कीम लॉन्च कर दी, अब ये तो है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट लोगों के घर घर जाके चीजें खरीद पाएगी, तो इसलिए इसमें जो इस स्कीम में जो स्टेट का रोल है ना वो प्रोएक्टिव है, मतलब स्टेट को थोड़ा आगे रहना पड़ेगा, स्टेट ही लोगों के साथ कम्युनिकेट कर करके और उनसे जो चीज अनाज वगैरह जो भी एमएसपी के तहत डिसाइड किया गया है, जैसे जो पल्सेज होगी, ऑयल सीड्स हो गए और जो खोपरा वगैरह हो गया, इनको बेसिकली प्रोक्यूरमेंट है वो की जाएगी, मतलब गवर्नमेंट खुद इनकी फिजिकल तरीके से अपने आप वो प्रोक्यूरमेंट या खरीदारी है को करेगी। स्टेट का रोल इसमें अहम या होगा, ये आप बोल सकते हो कि स्टेट है इसमें लीड के तौर पे काम है वो करने वाला है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिमिट के बाद ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकती। दूसरा है पीडीपीएस। चलो आप ये बताइए कि जो एग्रीकल्चर है वो कौन सी लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है या फिर सेंट्रल लिस्ट में आता है, या फिर आप बताइए कि कौन सी लिस्ट में आता है, समवर्ती में, कौन में, कौन से में, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक तो आपको बताना है एग्रीकल्चर के बारे में, और इसी के साथ ही आपको बताना है मेडिकल, कि मेडिकल भी कौन से लिस्ट में आता है। नेक्स्ट स्कीम है वो है पीडीपीएस प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। देखो, बेसिकली इसी तर्ज पे ये जो स्कीम है इसी के तौर पे मध्य प्रदेश ने एक अपनी स्कीम भी निकाली थी जिसका नाम था भावांतर भुगतान योजना। तो बेसिकली मध्य प्रदेश के द्वारा एक ही स्कीम है वो लगी थी, तो हम देखते हैं कि इस स्कीम में होता क्या है। प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम का साफ साफ मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट ने एमएसपी डिसाइड किया है, ये मान लो कि गेहूं के लिए गवर्नमेंट ने इस बार एमएसपी डिसाइड की है 2000 रुपए। अब देखो, होता क्या है कि ये बात की गवर्नमेंट की जो एमएसपी डिसाइड तो कर दी, इसका मतलब क्या होगा कि किसानों को जो गवर्नमेंट की मंडी या जो गवर्नमेंट के स्टोरेज है वहां जाके चीजें बेचनी होंगी, इसके बाद ही उनको ये जो 2000 रुपए गेहूं के मान लो मिल पाएंगे। अब आप एज्यूम कीजिए कि कोई किसान है, उससे जो मंडी है वो हो सकता है कि मान लो 70-80 किलोमीटर या फिर ज्यादा कितनी भी दूर हो, तो मतलब क्या हुआ कि किसान वहां तक जाएगा तो उसकी भाई लागत ही बढ़ जाएगी। तो ऐसे माहौल में क्या कर सकता है किसान, अपने आसपास की जो मार्केट है वहां पे भी फसलों को बेच सकता है जो कि एमएसपी तहत डिसाइड वगैरह की गई है, उनकी बात भी यहाँ पे की गई है। मतलब जो भी फसलें हैं, चाहे वो एमएसपी में हो, एमएसपी के बाहर हो, बेसिकली उनको क्या कर सकते हैं, बाहर जो मार्केट है उसमें बेच दो, फिर गवर्नमेंट की जो एमएसपी थी, जैसे गवर्नमेंट की एमएसपी थी गेहूं के लिए 2000, मार्केट में किसान ने बेची 1800 में, तो 200 रुपए का डिफरेंस हुआ वो गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करेगी। मतलब भावांतर कि जो भाव में जो अंतर है, जो मार्केट प्राइस और जो एमएसपी में डिफरेंस है, वो अंतर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है वो मिलके प्रोवाइड है वो करवाएंगी। बट इसमें कंडीशन क्या है कि किसानों को पहले ही रजिस्टर करना पड़ेगा कि हाँ भाई हम हमारी ये फसल है, ये मतलब इस बार फसल बोने वाले हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड है वो करवानी होगी। तो ये आपको ध्यान रखनी है कि ऑल ऑयल सीड्स जो कि एमएसपी के दायरे से है उनको भी बेसिकली यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरी स्कीम है वो है पीपीपीएस पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट एंड स्टॉक लिस्ट स्कीम। देखो, बेसिकली ये स्कीम है, ये अभी एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ट्रायल तौर पे लॉन्च है वो या रिलीज है वो की गई है।
ये स्कीम है कुछ चुनिंदा जिले है कि जहां पे एक्चुअली मिल टेस्टिंग वगैरह की जा रही है वहां पे भी इसको लॉन्च किया गया है क्या इसमें वो देखते हैं। इसमें देखो बेसिकली एक फसल या एक से ज्यादा फसलों को जो कि ऑयल सीड्स वाले बेसिकली उनको कवर है। यहाँ पे क्या गया होगा क्या इसमें, इसमें देखो कोई भी एक जिला मान लो कि उसको सिलेक्ट कर लिया गया कि हाँ भाई इस जिले के अंदर ये फसल वगैरह यहाँ पे बोई जा रही है। अब उनको होगा क्या कि उस जिले की जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है यानी कि एपीएमसी है उसकी हेल्प से उसको स्टॉक लिस्ट में रजिस्टर करवा के और फिर उसकी नीलामी की जाएगी। मतलब एक तरीके से आपको पता कि स्टॉक मार्केट की तरह फिर वो एग्रीकल्चर की जो फसल है वो वहां पे काम करेगी तो इससे किसानों को उचित दाम मिल जाएंगे। जैसे कि मान लो कि गेहूं का एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले रहे हैं सिर्फ कर टेक्निकल तरीके से करेक्ट नहीं है, ये मान लो कि गेहूं का एग्जाम्पल ले लिया या सरसों का एग्जाम्पल ले लो कि मस्टर्ड की कि इस बार गवर्नमेंट ने मस्टर्ड है उसको कोई भी एक जिले के अंदर एग्रीकल्चर मार्केट जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है इसकी हेल्प से क्या क्या स्टॉक लिस्ट में ऐड करवा दिया स्टॉक मार्केट में। तो अब हो सकता है कि किसी जगह इसकी सरसों की जो मस्टर्ड है इसकी जो इन आप बोल सकते हो कि रेट है वो 21 हो सकते हैं, कई जगह 2800 कितनी भी हो, तो वहां पे एक्चुअली शेयर मार्केट के तहत इसको बेचा जा सकता है। तो ये बेसिकली तीन स्कीम है जिनका हमें ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है उसके साथ तीन सब स्कीम है, तीनों के बारे में हमने देखा। जो दूसरी स्कीम थी इसका एग्जांपल हमने देखा कि मध्य प्रदेश ने भावांतर भुगतान योजना है वो लेके आई थी, इसके साथ तेलंगाना भी एक स्कीम है वो यहाँ पे लेके आया, तो वो हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के बारे में। तो देखो दोनों चीजों के बारे में हम थोड़ा जानते हैं क्योंकि कई बार यूपीएससी काफी इजी क्वेश्चन है वो भी पूछ लेती है, सही साइंस एंड टेक के तरीके से आप बोल सकते हो या फिर हम बात करें जनरल नॉलेज के तरीके से। तो पहले तो हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन होता क्या है, एक बार हम थोड़ा यहाँ से फोटो से समझ देंगे ताकि ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर है वो हो जाए। देखो फ्यूजन का मतलब तो यहाँ पे क्या होता है वो पता होना चाहिए और फिजन का मतलब भी हमें पता होना चाहिए। पहली बात तो ये है फिजन का मतलब क्या हो गया कि एक है वो टुकड़ों में टूट रहा है मतलब विखंडन हो रहा है, फ्यूजन का आप ऐसे याद कर सकते हो कि विखंडन। और फ्यूजन का मतलब क्या है संलयन, मतलब नाभिक के संलयन है उसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं और नाभिक के विखंडन को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। तो ये तो हमने देख लिया, अब हम इनके बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी एक एक को यहाँ पे डिस्कस है वो कर लेते हैं एक बार। एक सही पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन को, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में देखते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब क्या हो गया कि दो या दो से ज्यादा एटम है उनको कनेक्ट किया जाएगा मतलब संलयन होने वाला है। देखो वैसे तो एक बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ही खतरनाक प्रक्रिया होती है, इसमें काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। होता क्या है थोड़ा वो देखते हैं, जैसे कि मान लो कोई भी न्यूक्लियस है ए और बी न्यूक्लियस है वो आपस में मिलेंगे तो वो एक बड़ा न्यूक्लियस बनेंगे, मतलब दो हल्के हल्के न्यूक्लियस है वो मिलके एक भारी न्यूक्लियस बनेंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी है वो प्रोड्यूस होगी और उसी एनर्जी को हम हीट के तौर पे वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उस एनर्जी को हम सॉरी उसी एनर्जी को हम कहीं ना कहीं जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसी तरीके से उसका यूज हम कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लस मोर न्यूक्लियस मतलब दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस है वो आपस में कंबाइन है वो होते हैं। अब देखो वैसे देखा जाए तो आपको लगता होगा कि यार कंबाइन करना काफी इजी सा है तो फिर ऐसे एनर्जी प्रोड्यूस कर लेनी चाहिए। देखो जब भी दो सेम पर एटम आप बोल सकते हो या फिर दो न्यूक्लियस बोलते हो अगर उनको हमें एक तरीके से एक जगह कंबाइन करना है तो उसके लिए हमें एक एडिशनल फोर्स की जरूरत होती है, एक बहुत ही ताकत की जरूरत होती है। जिस तरीके से चुंबक का नॉर्थ और नॉर्थ पोल को अगर हम पास लेके आते हैं तो दोनों क्या होता है दोनों एक दूसरे से दूर भागते हैं पास में नहीं आते बट हमें फोर्सफुली लाना पड़ता है उनको, तो उसी तरीके से अगर न्यूक्लियर फ्यूजन करवाना है तो जो भी न्यूक्लियस है दो या दो से ज्यादा उनको हमें फोर्सफुली लाना होता है, एक एनर्जी की जरूरत होती है चाहे आप वो हीट के थ्रू से देखो किसी भी मीडियम से उसकी हेल्प से ही एक्चुअली जो एनर्जी है या फिर आप बोल सकते हो कि तीसरा जो एटम है तीसरा न्यूक्लियस है वो बनता है, मतलब दो हल्के हल्के न्यूक्लियस है वो भारी में कन्वर्ट इसमें होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे हाइड्रोजन बम है, देखो हाइड्रोजन बम है आपको पता है जैसे सन है इसके अंदर क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसीजर होती है, तो यूपीएससी पूछ सकती है कि सन के अंदर कौन सी प्रोसेस न्यूक्लियर फ्यूजन है या न्यूक्लियर फिजन है, तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन है मतलब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है वो बेसिकली सन और हाइड्रोजन बम में होती है। अब हम बात करें न्यूक्लियर फिजन की, देखो न्यूक्लियर फिजन का मतलब क्या होता है एक न्यूक्लियस है वो बाकी न्यूक्लियस में टूटता है दो या दो से ज्यादा, जैसे कि ये एक न्यूक्लियस हो गया ये दो में टूटा दो से चार में हो गए चार से आठ इस तरीके से टूटते धीरे धीरे ये जाते हैं। इसमें होता क्या है एक जो न्यूक्लियस होता है बड़ा न्यूक्लियस इस पे अटैक किया जाता है और उस अटैक की हेल्प से दो भागों में टूटता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है फिर दो से चार इस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस है वो होती है।
और जो पावर प्लांट आज के टाइम पे हम रिसेंटली यूज कर रहे हैं उनमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसीजर ही यूज है वो की जाती है। ध्यान रखना अभी तक कोई भी ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं बनाया जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसीजर या न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया यूज हो की जा रही हो, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन है वो बहुत ही खतरनाक होती है। हाइड्रोजन बम का जैसे हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बम है वो बेसिकली बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। खैर अभी तक तो उसका एक तरीके से हम बात करें तो कहीं भी यूज है वो नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट ही किए गए। देखो जो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिरे गए थे वो भी बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन का थे, मतलब इस प्रक्रिया के थे। अब आप सोच के देख सकते हो कि न्यूक्लियर उसमें कितना विनाश हुआ था न्यूक्लियर फ्यूजन वाले में, तो अगर कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बम होता वो तो कितना ज्यादा विनाश हो सकता था। तो इसीलिए न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है और बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है तो उस एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेसिकली इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च वगैरह भी चल रही है और इसी के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है जिसका नाम है इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITCR। बेसिकली देखो ये ITER है, ये बेसिकली बात करें तो ये एक्सपेरिमेंट फ्रांस में चल रहा है, अभी ऑनगोइंग प्रोसीजर में मतलब चल रहा है। इसमें हो क्या रहा है, इसमें देखो ये हो रहा है जैसा हमने देखा था यहाँ पे कि दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस है उनको एक जगह लाके कंबाइन करवाया जाता है और फिर एक एनर्जी प्रोड्यूस भी होती है। तो अगर उनको कंबाइन करवाना है तो भी हमें एनर्जी की जरूरत है वो होती है। तो यहाँ पे जो कंबाइन करने की जो प्रोसीजर है वो बेसिकली यूज की जा रही है सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, मतलब जो हाई पावर की मैग्नेट है उनकी हेल्प से न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसीजर पे ध्यान है वो दिया जा रहा है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन का एक्सपेरिमेंट कहाँ पे चल रहा है। अगर ये देखो ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर फ्यूचर में एनर्जी सिक्योरिटी है वो इंडिया के लिए काफी अहम भी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है INF ट्रीटी के बारे में, यानी द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी के बारे में। तो देखते हैं क्या, सबसे पहला फैक्ट इसका यही इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी कंट्री के बीच में, यूपीएससी पूछ लेगी क्या इंडिया के और मतलब इंडिया चाइना के बीच में या फिर इंडिया पाकिस्तान या फिर कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं कि इंडिया इसका मेंबर वगैरह है या नहीं। तो हमें ध्यान में रखना है कि यह US और रसिया यानी कि रूस के बीच में बेसिकली है। देखो जब USSR था, मतलब रूस से पहले क्या था, सोवियत संघ के नाम से बेसिकली जाना जाता था, USSR के नाम से। तो 1987 के टाइम पे जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था उस दौरान बेसिकली दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रीटी हुई थी। इस ट्रीटी में हुआ क्या था, देखो इस ट्रीटी में बेसिकली ये प्रावधान किया गया था कि 500 से 5500 किलोमीटर की जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं या फिर जो क्रूज मिसाइलें हैं या फिर जो न्यूक्लियर मिसाइलें, मतलब किसी भी टाइप की मिसाइलें जिनकी रेंज 500 से 5500 किलोमीटर की है, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, 500 से 5500 किलोमीटर की है बट कंडीशन की बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब ग्राउंड लेवल से, कि वो मिसाइलें जो ग्राउंड लेवल से लॉन्च की जाती है उनको धीरे धीरे वो खत्म करेंगे क्योंकि इनसे काफी ज्यादा खतरनाक नुकसान हो सकता है। तो US और रशिया दोनों ने डिसाइड किया कि भाई 500 से 5500 किलोमीटर तक की जो मिसाइलें ग्राउंड से चलाई जाती हैं उनको फोकस यहाँ पे रखना है ग्राउंड पे, कि जो मिसाइलें ग्राउंड से चला रही हैं उनको धीरे धीरे खत्म है वो किया जाएगा। तो यह ध्यान रखना कि भाई इनका TSWND करना था, मतलब इनको धीरे धीरे खत्म है वो करना था। तो देखो दोनों ही कंट्रीज ने धीरे धीरे तो खत्म करने की बात है वो रखी थी बट अभी कुछ टाइम से दोनों कंट्रीज के बीच में कुछ इश्यूज है, टेंशन है वो चल रहे थे। वो 2007 में रशिया ट्रीटी से आउट हो गया कि नहीं भाई हम इसको फॉलो वगैरह नहीं करने वाले। तो यह ध्यान में रखना है कि जो ये इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी है किस किस के बीच में है और कब हुई थी। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है IMC 2018 के बारे में, यानी कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2018। देखो इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2018 है, इसका जो इस बार का एडिशन है वो बेसिकली दिल्ली में एक तरीके से आप बोल सकते हो कि स्टार्ट है या दिल्ली में लॉन्च है वो क्या जाएगा होगा क्या वो देखते हैं कि थीम क्या है इस बार की। देखो इस बार का जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है उसकी थीम है न्यू डिजिटल होराइजन्स कनेक्ट क्रिएट और इनोवेट। तो ये इस बार की थीम हमें ध्यान में रखनी है। किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी पूछ लेती है कि नीति आयोग और मिट्टी मिनिस्ट्री के द्वारा वगैरह, तो हमें ध्यान में रखना है कि नहीं भाई डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड द सेलुलर ऑपरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI, इन दोनों के द्वारा बेसिकली इसको होस्ट है वो किया जा रहा है। तो यह ध्यान में रखना है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन और इसी के साथ द सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा बेसिकली इसको होस्ट किया गया है। होगा क्या, देखो ऐसी बात नहीं है केवल इंडिया की, वर्ल्ड की बाकी अदर कंट्रीज हैं वहाँ के भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं या फिर जो इंडस्ट्री है या फिर जो रेगुलेटर हैं वो यहाँ पे आपस में इंगेज होंगे, आपस में बातचीत वगैरह करेंगे और जो फ्यूचर डायरेक्शन है उस पर फोकस किया जाएगा कि कौन कौन से चैलेंजेस आने वाले हैं इस सेक्टर में, मोबाइल सेक्टर में, और कौन कौन से हमें कैसे कैसे निपटना है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हमें यूज करनी है, तो उन चीज़ों पर बेसिकली यहाँ पे फोकस है वो किया जाएगा। तो ये तो थी आज की माई डिस्कशन। अब एक बार थोड़ा
रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, हमने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के बारे में जाना कि तीन सब स्कीम है। गवर्नमेंट का मेन मोटो यह है कि किसानों के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उनको उनकी फसलों के उचित दाम दिलाए जाए। इसके बाद हमने न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसीजर के बारे में जाना। इसी के साथ हमने यहाँ पे जाना द इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी के बारे में जाना, जो कि यूएस और रशिया के बीच में 1987 में हुई थी, जिसका मेन फोकस ये था कि वो मिसाइलें जो ग्राउंड से लॉन्च की जाती हैं, जिनकी रेंज 500 से 5500 किलोमीटर तक की है, उनको बेसिकली टर्मिनेट या खत्म है वो किया जाएगा। 2007 में रशिया इससे आउट हो गया था, तो अभी ट्रंप ने कहा कि देखो भाई हम भी आउट हो जाएंगे और फिर हम वही बात है कि आपस में लड़ाई वगैरह चल जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल था वो था IMC 2018 कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस का जो एडिशन है वो न्यू दिल्ली में आयोजित होने वाला है। ये आयोजित किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन एंड द सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। होगा क्या इसमें, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, जो जो रेगुलेटर्स हैं, वो आपस में आके इंगेज होंगे और फ्यूचर डायरेक्शन पे फोकस है वो करेंगे। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। देखो तीन रिवोल्ट बता रहा हूँ आपको, आपको इनको सिक्वेंस के अकॉर्डिंग अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन हुआ, दूसरा तीसरे में पैसे। सबसे पहले आपको ऑप्शन बता रहा हूं, यहाँ पे हम बात करते हैं एक तो संथाल विद्रोह की कि संथाल रिवोल्ट या जो संथाल विद्रोह था वो कब हुआ। दूसरा ऑप्शन आपके सामने चन्नार रिवोल्ट और तीसरा है आपको पाई का। तो आपको बताना है कि इन तीनों की सीक्वेंस अरेंज करने की, सबसे पहले कौन सा हुआ, दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा। तीन ऑप्शन मैंने आपको दिए, एक दिया है पाई का, दूसरा दिया है चन्नार और तीसरा मैंने आपको यहाँ पे तीन ऑप्शंस दे दिए हैं, वो आप ध्यान में रखना है और इनके अकॉर्डिंग आपको उनको बताना कि कौन कौन से हैं। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट, दो क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन है उसमें आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आपको बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। देखो पहला स्टेटमेंट ये है कि कोप इंडिया एक्सरसाइज है वो इंडिया यूएस और जापान के बीच में एक नेवी एक्सरसाइज है। पहला स्टेटमेंट ये है कि कोप इंडिया एक्सरसाइज है वो जापान यूएस और इंडिया के बीच में नेवी एक्सरसाइज है। दूसरा स्टेटमेंट यह है कि मालाबार एक्सरसाइज है वो एक एयर एक्सरसाइज है जो कि जापान यूएस और इंडिया के बीच में होती है। तो आपको बताना कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब हम आगे करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बेसिकली है क्रायोसेट सेटेलाइट के बारे में। तो देखो क्रायोसेट सेटेलाइट है और एक है जीसेट सेटेलाइट। तो आपको बताना है कि क्रायोसेट सेटेलाइट है उसका यूज कहाँ पे होता है और जीसेट सेटेलाइट का यूज है वो कहाँ पे होता है, मतलब जीसेट सेटेलाइट का यूज कहाँ किया जाता है और क्रायोसेट सेटेलाइट का यूज कहाँ पे किया जाता है। इनके दो ऑप्शन आपको देता हूँ, इनको आप मैच करना है। पहला ऑप्शन है कि एक का तो यूज है वो होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग के लिए और एक है उसका यूज होता है कम्युनिकेशन पर्पज के लिए। तो आपको ये बताना है कि कौन से का यूज कम्युनिकेशन पर्पज के लिए होता है और कौन से का यूज है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस रिमोट सेंसिंग के लिए यूज है वो होता है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।